वेरी गुड इवनिंग टूट आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू इवनिंग टर्म टू का पेपर डिस्कस करेंगे बोर्ड के एग्जाम के लिए बायोलॉजी का गाइज ट्रस्ट मे ऑन दिस जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना दे विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम इन दी एग्जाम आई कैन गारंटी यू दैट ठीक है आई प्रोमिस यू जस्ट अटेंड माई सेशन ठीक है ये सेशन गाइज इट विल बी फॉर आई गेस

I will teach you answer writing. I will tell you what questions will be coming in the exam. Okay, but I will be telling what questions will be coming in the exam, how you are supposed to answer them. Okay, and most importantly, guys, with the question, with every question, I will also teach you related concepts.

वी हैव स्टार्टेड बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड एवरीथिंग इन ऑन दिस चैनल टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू कनेक्ट स्टे कनेक्टेड बिकॉज बिफोर द क्लास ट्वेल्थ एग्जाम वी माइट बी वील बी डूंग मैराथ दो फील कि भैया हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा सर आई डोट नो इवन अ सिंगल थिंग गाइज दीज मैरेशन एज ए सेट वी विल बी कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ बायोलॉजी of physics of chemistry and maths before the exam we will be covering the entire syllabus before the exam okay so do join in for this marathon session subscribe to the channel and i can guarantee you with a quick revision for your 12th board exams quick revision perfect great moving forward yes guys do like share and subscribe and let us begin with the session

यस yes, गाइस तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती प्लीज ड्रॉ डायग्राम बेटा देखो मैंने आपको एक चीज तो बताई भी है बायोलॉजी में क्या होगा डायग्राम एंड एग्जाम्पल्स इन एवरी क्वेश्चन आई शो यू हाउ वी विल राइट दैट परफेक्ट ये द फर्स्ट क्वेश्चन गाइज आर यू रेडी फॉर सेक्शन ए टू मार्कर्स आर यू रेडी फॉर सेक्शन ए टू मार्कर्स यस बेटा नीड सेक्शन विज ऑल्सो बी कंडक्टेड क्वेश्चन

स गाइज फिजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर है ना तो बताओ जब आप पैथोजन को खा जाते हो तो वॉट ऑल बैरियर विल बी हियर टेलमी गाइज कौन आंसर दिस क्वेश्चन गाइज सी वेन एवर आई शो अ क्वेश्चन हाउ यू आर सपोज टू आंसर इट जस्ट राइट द की वर्ड्स रिलेटेड टू दैट की वर्ड्स मतलब जो भी वर्ड्स आपको याद आए अब हमने इन्नेट इम्यूनिटी की बात करी क्या शब्द याद आना चाहिए फिजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर सेलुलर बैरियर बैरियर इन बैरियर ठीक है ऑल दिस थिंग्स शुड कम टू योर माइंड परफेक्ट राइट इट डाउन एंड देन राइट इट किस बेटा फिजिकल बैरियर द म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथिलियर लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोट्रैक द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विल विड है ना बेटा स्किन इज ऑल्सो फिजिकल बैरियर जो कि प्रोटेक्ट करता है बट इस क्वेश्चन में क्या स्किन लगेगा नहीं इस क्वेश्चन में कह रहे हैं आपने खाना खाया यू एट इट तो हाउ विल विल प्रोटेक्ट इट इट योर यस गाइस डाइजेस्टिव सिस्टम में हू विलोटेक्टेडिवेट स्टर टू एसिड इन द स्टमक एंड सलाइवा इन द माउथ प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ जो आपके स्टमक में एसिड है वो माइक्रोब को मार देगा इवन सलाइवा में मारता है अब बच्चे कहते हैं कि सर व्हेन इट इज देयर देन व्हाई डू वी गेट सिक बिकॉज बेटा सम बैक्टीरिया और सम पैथोजेन आर स्ट्रॉगर देन आर एसिड मतलब दे कैन सर्वाइव द एसिड ऑल्सो होता है ना कई बार सम सम एनिमीज आर वीक सम एनिमीज आर वेरी स्ट्रॉग तो द स्ट्रॉग बैक्टीरिया सरवाइव इट एंड देन वी गेट डिसीज्ड आई यू कैड अंडरस्टैंडिंग यस गाइज परफेक्ट परफेक्ट तो फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर बट वी डिस्कस देर आर टू अदर बैरियर ऑल्सो सेल्यूलर बैरियर एंड

देर वॉज वन क्लॉस बस्टर क्लॉट बस्टर है ना बेटा हमने देखा ना एग्जाम्पल मैंने बताया था वेन आई वॉज टीचिंग बेटा इफ यू जस्ट सर्च माई नेम राज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यू विल गेट द चैप्टर विच आई हैव टॉट ओके तो उसको जाके देखना देन देर इज वन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट ऑल्सो है ना सो वी कैन यूज दीज टू थिंग्स ओव हियर एज ए टोल्ड यू स्ट्रेप्टोकाइनेस ऑबटेन फ्रॉम सेप्टोकॉकस इट्स अ क्लॉट बस्टर वो क्लॉट को तोड़ देता है फॉर रिमूविंग द क्लॉट एंड द पेशेंट हैव मायोकार्डियल मतलब जब क्लॉट को तोड़ देगा तो द ब्लड स्ट्रीम जो ब्लड वेसल है इट विल गेट व्हाट व्हाट विल विल हैपन इट गेट अनकलॉक्ट मतलब जो ब्लॉकेज थी वो खत्म हो जाएगी स्टैटे ऑब्टेन फ्रॉम मोनेस्कस परप्यूरस एक्ट एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट सो दीस टू वी कैन यूज बट एड यू सी हाउ दे हैव मेड यू अप्लाई द इंफॉर्मेशन उन्होंने सीधा सीधा नहीं पूछा विच इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट नो दे दे डिड नॉट आस्क वन इज अ क्लॉट बस्टर मायोकार्डियल देशन हुआ है वॉट कैन यू यूज यस 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 गाइट्स क्वेश्चन घुमा फिरा के नेक्स्ट वन दिज अ वेरी गुड क्वेश्चन आइडेंटिफाई द कंपाउंड केमिकल स्ट्रक्चर शोन बिलो स्टेट एनी थ्री ऑफ इज फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ ये कौन सा कंपाउंड है ड्रग का फोटो है कौन सा ड्रग है ये यस yes, बताओ परफेक्ट एक्सैक्टली exactly, बेटा इट्स मॉर फीन है ना इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पूछिए इट इज व्हाइट ओडरलेस एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड इट इज व्हाइट ओडरलेस एंड क्रिस्टलाइन बेटा प्लीज अंडरस्टैंड देखो दिस इज कैन ए बी नॉइट मोलिक्यूल अभी सैंपल पेपर आपसे यह पूछा है तो दिस कैन ऑल्सो कम दिस डायग्राम इज इन द सेम प्लेस ठीक है यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ये देखो ये कै बिस कैटर की तरह इफ यू कैन सी इट लुक्स लाइक कैटरपिलर दिस इज कैनाबिनॉइड कैटरपिलर सीफर कैटरपिलर सीफर कैनाबिनॉइड दिस लुक्स समथिंग लाइक यू नो स्नोमैन टाइप दिस इज मॉर्फिन ओके जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई लाइक दैट परफेक्ट नेक्स्ट वन वॉटर सैंपल्स वे कनेक्टेड फ्रॉम ए बी एंड सी ओके इन सेगमेंट ऑफ अ रिवर नियर शुगर फैक्ट्री एंड टेस्टेड फॉर बीओडी लेवल बीओडी इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना द बीओडी लेवल्स ऑफ सैंपल ए बी एंड सी वेर फोर हंड्रेड मिलीग्राम्स पर लीटर फोर एटी मिलीग्राम्स पर लीटर एट मिलीग्राम्स पर लीटर है ना क्या बेटा ए में कितना है फोर हंड्रेड बी में फोर एटी सी में एट ठीक है What is इज what इज दिस इंडिकेटिव ऑफ बताओ बेटा ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बताओ is वॉट इज of? Bata, of? The पोल्यूटेड बीओडी ज्यादा होता है इसका मतलब पोल्यूशन ज्यादा है पानी में बीओडी कम है इसका मतलब पोल्यूशन कम है ठीक है नाउ तो वॉट इज इंडिकेटिव द वॉटर नियर रीजन ए एंड बी इज मोर पोल्यूटेड है ना एक्सप्लेन बीओडी लेवल गेट्स रेड्यूसडरेबली एट द कलेक्शन पॉइंट सी है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जब आप वॉटर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट कर देते हो तो इट प्यूरिफाइज द वॉटर है ना बेटा पॉइंट ए बी एंड सी द बी ए बी द बीओडी लेवल आर हाई ड्यू टू ऑर्गेनिक पोल्यूशन

जो कलेक्शन सी पे सी पॉइंट पे क्या हुआ उसको ट्रीट कर दिया और उन्होंने बताया कैसे ट्रीट करा उन्होंने की वर्ड लिख दिया बेटा एरोबिक माइक्रोब एरोड लिख दिया ठीक है इन्होंने इन्होंने एरोबिक लिख दिया इन्होंने लिखा कि भैया जो भी ऑर्गेनिक मैटर था उसको बैक्टीरिया डिजोल्व कर दिया और मतलब उसको डाइजेस्ट कर दिया तो दिस गिव्स अस अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि भैया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है बेटा के बारे में क्वेश्चन था इट वाज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन और अ डायरेक्ट क्वेश्चन प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज इट ग्रेट यस Perfect. Next one. Question number five. An ecologist studies an area with population A thriving on unlimited resources and showing exponential growth. Introduce population B and C to the same area. What will be the effect on growth pattern of population A, B, and C when living together in the same habitat? Hello, batao. एकोलॉजिस्ट क्या करा एक, एक पॉपुलेशन ए यस yes. वहां पे उसने बी और डाल दिया तो क्या होगा मी गाइस अटेम चैनल पे बायो <laughs> बेटा इस चैनल पे बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाना शुरू कर दिया हम लोगों ने ओके ग्रेट एग्जैक्टली बेटा द इंट्रैक्शन बिटवीन द एबीसी विलीड टू कॉम्पिटिशन है ना इवेंचुअलीजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस

एंड वॉट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ द वॉस्प बताओ हम्म सॉरी फिग फिग मतलब गाय सॉरी फिग फिग समझ आ गया ना फिग इज अ ट्री है ना क्योंकि बेटा देखो जो फिग होता था ना वहां पे क्या होता है वॉस्प क्या करती थी अपने एक्स को ले करती है और उसको पॉलीनेट करती है ठीक है उसको फ्रूट्स को खाती है जब वो फिग ट्री नहीं रहे तो इट द वॉस्प कैन नॉट ले एक्स है ना या फिर खाने की कमी होगी तो इट वुड वु डाइट द वर्ड विच यू सपोज टू यूज इज म्यूचुअलिज्म द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट एंड द इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म फिग इज द प्लांट है ना वॉस्ट इज द पॉलीनेटर फिग डिपेंड ऑन द दॉ फॉर पॉलीनेटर एंड ऑन द फिग फॉर फूड एंड शेल्टर ठीक है अगर फिग चला गया तो उसको फूड भी नहीं मिलेगा उसको शेल्टर नहीं मिलेगा है ना The wasp loses the source of food and shelter. Shelter for laying eggs, it will not be available. That is why the population of the fig will, or oh sorry, fig and fig decreases that that will lead to decrease in the population of the wasp also. Perfect. Very good. Next one, section B. Hikibita. Please understand. All the questions were indirect. Not even a single question was direct. All the questions were indirect. ठीक अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नेक्स्ट हाउ डू नॉर्मल सेल्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स एलाब्रेट गिविंग थ्री एग्जांपल्स ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट है ना नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स कैसे बन जाते हैं एक्सपोजर टू रेडिएशन एक्सपोजर टू सम केमिकल्स एक्सपोजर टू वायरस ऑल्सो ठीक ऑल दीज थिंग्स लीड टू कन्वर्शन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू क्या बेटा इंटू कैंसरस सेल्स ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इंटू कैंसरस सेल्स और नियोप्लास्टिक सेल्स मे बी इंड्यूस बाई फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल बेटा प्लीज दिस आर द की वर्ड फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल ठीक है थ्री रीजन हो सकते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे एंड गामा रेस

महक पूछ रही है कि सर मलेरिया में फीवर होता है क्यों होता है बेटा <laughs> क्योंकि जब मलेरिया आरबीसी में मल्टीप्लाई करता है इट लीड्स रप्चर ऑफ द आरबीसी बेटा महक परफेक्ट नेक्स्ट वन फोकस करो बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो पहले है ना बाद में देखेंगे नेक्स्ट वन रिकोगशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ अ पैथोजन और एक्सपोजर टू अ पैथोजन ऑकर्स ड्यूरिंग मेनी टाइप्स ऑफ इम्यून रेस्पॉन्सेज इंक्लूडिंग एक्टिव इम्यूनिटी एंड इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ एलिसिटेड इम्युनिटीफाई ह्यूमन एलिसटेड गेट एनकाउंटर्ड बाई अ पैथोजन बताओ पहले तो यह बताओ भाई कि यह पूछ रहे हैं भैया एक्टिव इम्यूनिटी और इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी इन दिन में फर्क क्या है बताओ वॉट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी टेल मी एक्टिव इम्यूनिटी बेटा वो होता है जब हमारे डब्ल्यूबीसी अपने आप से एंटीबॉडीज बनाते हैं है ना बेटा हमारे डब्ल्यू मेक एंटीबॉडीज इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है बताओ कोई बताना चाहेगा इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी कब होती है इन वॉट केस वी गेट इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी कम ऑन क्या मैं कह सकता हूं वी से शुरू होता है कुछ जैसे ही हम वैक्सीनेशन करते हैं वैक्सीन लगाते हैं तो क्या होता है इट्स इज इट इंड्यूस्ड कोविड वैक्सीन लगाया है ना तो मेरे डब्ल्यूबीसी क्या करेंगे एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करेंगे ठीक है ये मैंने आर्टिफिशियली करा है दैट इज इंड्यूस्ड समझ आया स्पेसिफाई द टाइप ऑफ रिस्पांस एलिसीटेड ह्यूमन बींस गेट एनकाउंटर्ड बाय अ पैथोजन ही गिव द बेटा किस तरह को होता है देखो When body encounters pathogen for the first time, the response is called as primary response. And it is weak in nature. Primary response is weak. Okay? The subsequent response, subsequent attack, or the second attack, the response is called as secondary attack. Sorry, secondary response. Secondary response, which is stronger. Why? Because the WBC's. हैव मेमरी द डब्ल्यू बी सीव मेमरी ऑफ द फर्स्ट अटैक उनको मेमरी होती है कि पहली बार भी अटैक हुआ था ठीक है वेन आर बॉडी एनकाउंटर एंटीजेनिक प्रोटीन और पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूस अ रेस्पॉन्स विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी एंड आर बॉडी रिटेन मेमरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर आर बॉडी रिटेन मेमरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन Elicits highly intensified response, which is also called as secondary response. With the help of two cells that is B lymphocytes and T lymphocytes, that also you can add. Henna keywords are B lymphocyte, T lymphocyte, add kar Then B lymphocytes produce antibodies, and T cells do not produce antibodies but help B cells to produce them. So this is what you have to write. Yes? Perfect. गुड आफ्टरनून बेटा होप ग्रेट नेक्स्ट वन इन पैथोलॉजिकल लैब अ सीरीज ऑफ स्टेप्स वेर अंडरटेकन फॉर फाइंडिंग बेटा देखो आप अब, अब आप कहोगे सर इसमें मैं क्या लिख सकता था बेटा यू कुड है प्राइमरी रेस्पॉन्स है ना यहां पे लिखो फर्स्ट एक्सपोजर फर्स्ट एक्सपोजर प्राइमरी रेस्पॉन्स है ना फिर यहां पे लिखो सेकेंड एक्सपोजर सेकेंडरी रेस्पॉन्स फिर नीचे लिखो मेमोरी ऑफ ऑफ इम्यून सिस्टम और मेमोरी ऑफ डब्ल्यू समझ रहे हो तो यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट ऑनली टू मेक टीचर अंडरस्टैंड हाय बेटा सुकृति आई होप योर अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हो मेक अ फ्लो चार्ट ना देखो ये तो आपने लिख दिया यू कैन राइट इट इन वर्ड इन पॉइंट बट यू कैन ऑल्सो मेक अ फ्लो चार्ट इज देर एनी हार्म इट विल हार्डली टेक वन मिनट कर सकते हो लिखो फर्स्ट मतलब मैंने बहुत गंदी हैंडराइटिंग में लिखा आप थोड़ा अच्छे से लिखना कि फर्स्ट 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 एक्सपोजर एक्सपोजर पे क्या हुआ प्राइमरी रेस्पॉन्स सेकेंड एक्सपोजर सेकेंडरी रेस्पॉन्स दो यहां वीक यहां पर वीक लिख दो यहां पर सेकेंड रिस्पॉन्स लिख दो स्ट्रॉन्ग है ना बिकॉज ऑफ मेमोरी ऑफ द डब्ल्यू बी सी समझ रहे हो तो यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ योर ओन इन द क्लास इमीडिएटली टीचर विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क ट्रस्ट मी ऑन दिस आई कैन गारंटी दैट ठीक है नेक्स्ट आगे चलते हैं ठीक है इन अ पैथोलॉजिकल लैब अ सीरीज ऑफ स्टेप्स स्टेप्सन फॉर फाइंडिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्राइब द स्टेप्स और मेक अ फ्लो चार्ट शोइंग द प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ईजी है बेटा देखो जो मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है ना उसके जितने भी डायग्राम है बेटा सेम डायग्राम रिपीट होते हैं एक तो ये रिपीट होता है ठीक है एक वो वाला होता है ना कैपिंग एंड टेलिंग वाला ट्रांसक्रिप्शन वो रिपीट होता है ठीक है और लैक ओपेर ये तीन टॉपिक भैया यही आते हैं पेपर में ठीक है किसी ने लैक ओपेर पढ़ लो अच्छे से ठीक है ये पढ़ लेना पी है ना और क्या बेटा है ना ठीक है पीसीआर कॉमेंट बताया ना क्या बोला था मैंने या वो ट्रांसक्रिप्शन वाला ठीक है और वो भी पढ़ लेना क्या कहते हैं एक यूनिट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ठीक है वो भी देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और वेक्टर वाला भी जितने डायग्राम है बेटा प्लीज अंडरस्टैंड या हम्म परफेक्ट ठीक है जितने भी डायग्राम है ना बुक पे वो सारे जरूर कर लेना प्लीज ओके या ग्रेट ओके okay, ओके okay. ठीक है चलो गाइस फ्लो चार्ट कैसे बनाना है ऑब्वियसली द थ्री स्टेप्स आर डी नेचुरेशन एंड एक्सटेंशन व्हाट द थ्री स्टेप्स डी नेचुरेशन एंड एक्सटेंशन है ना दी द थ्री स्टेप्स ठीक है परफेक्ट ओके ओके बायोटेक का था सॉरी माय बैड आई नो आज कल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है माई बार यस बायोटेक का था और गाइज जैसा मैं बता रहा था ठीक है प्लीज़ ऑल द डाइग्राम्स ऑफ बायोटेक है ना अप्लीकेशन वाला भी ठीक है इंसुलिन एंड एवरी थिंग प्लीज़ प्लीज़ यू नो प्रैक्टिस दैम जितने भी डायग्राम है सबसे पहले डायग्राम प्रैक्टिस कर लो पूरी बुक में मेरा जो भी बायोलॉजी का सिलेबस है ना वी हैव अ टेंडेंसी टू प्रैक्टिस डायग्राम टूवर्ड दी एंड डोंट डू देट है ना विच बुक शुड आई प्रैक्टिस सैम्पल पीपर फॉर टर्म टू बेटा कोई बुक प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है देर विल बी यू नो फ्री सैम्पल पेपर अवेलेबल यू कैन फॉलो है ना परफेक्ट नाउ डी नेचुरेशन क्या होता है डी एन एंड सेपरेट द स्ट्रैंड्स डी नेचुरेशन में क्या होता है यू हीट डी एन एंड सेपरेट द स्ट्रैंड्स ठीक है फिर एनीलिंग में वॉट डू यू डू यू अटैच अ प्राइमर एनी लिंग में यू अटैच अ प्राइमर एंड द थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन ये प्राइमर एक्सटेंड होता है एंड इट लीड्स टू दिस गाइज फॉर्मेशन ऑफ बिलियन और मेनी यूनिट्स ऑफ दिस थिंग बेटा प्लीज अंडरस्टैंड एंजाइम यूज हो रहा है मुझे Because, बेटा, है. इस हम डीएनए को हीट करते हैं और अगर हमारा एंजाइम ही होगा तो इट वेल गेट डिस्ट्रॉयड वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा विच वी डू नॉट वॉन्ट है ना जनरली बेटा डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होते हैं क्या होता है वो हीट करने पे खराब हो जाते हैं दे नॉट फंक्शन बट हम लोगों ने क्या करा बायोटेक में वी फाउंड एनजाइम विच कैन सस्टेन हीट दैट इज टक पॉलीमरेज फ्रॉम थर्माटिक वेरी गुड बेटा हार्दिक ठीक है फोर डिग्री सेंटीग्रेड द स्ट्रांड आर सेपरेटेड एंडिलिंग में द प्राइमर आर अटैच टू द कॉम्प्लीमेंट एक्सटेंशन द डीएनएसिटेटेंशन ऑफ द स्ट्रांडि एक्सटेंड करके डीएनए के स्टैंड बना देता है क्वेश्चन है इविन क्वाटरेट डिस्क्राइब द रेट ऑफ स्पीचीज एक्सटेंशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी पहले तो मुझे बताओ ये ईविल क्वाटरेट क्या होता है एनी वन ये ईविल क्वार क्या होता है किसी को पता है यस yes, बताओ मुझे पहले मैं तब तक क्वेश्चन पढ़ता हूं एक्सप्लेन हाउ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाई फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट ये पूछ रहे हैं ठीक है इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज हैज लेड टू एनवायरमेंटल डैमेज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस स्पीशीज Give one example of how it इट हैज अफेक्टेड द species. देखो दो क्वेश्चन हो गए एक क्वेश्चन है, ठीक बेटा। एक क्वेश्चन है। देखो ये एक क्वेश्चन था है ना? कुडेंशन ऑफ स्टेलर सी the मैन क्या ह्यूमन बचा सकते थे कैसे बताते हैं ठीक है देखो देखो बेटा जो ईमेल क्वार्टर था फोर थिंग्स ह्यूमन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो हैबिटेट लॉस होता है तो जो लोग वहां पे रहते हैं मतलब तो जो एनिमल्स हो गए है ना दे लूज देयर होम सो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव है ना बेटा उनके ब्रीडिंग ग्राउंड को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं देन वी हैव एलियन स्पीशीज इन्वेशन जैसे कि बेटा कोई फिश मैं साउथ अफ्रीका गया वहां से फिश लेके आया इंडिया के पानी में आके छोड़ दिया तो वॉट विल इट डू द फिश विल ग्रो यू नो क्या कहते हैं मल्टीपल फूड्स ठीक है टेरर ऑफ बंगाल करके एक है वाटर है वो लेके आ गए थे नाउ इट इज कम्पीटिंग नॉर्मल स्पीशीज ऑफ द लैंड ठीक है दैट इज वाई अगर आप कभी फॉरिन ट्रेवल करते हो ना तो वो आपको पूछते हैं कि क्या आप कुछ यू नो फ्रूट्स वगैरह लेके आए हो आर यू यू हैविंग आर कैरिंग एनी फ्रूट्स एक्सेट्रा दे विल मेक यू थ्रो इट बिकॉज वेन यू टेक इट टू द अदर नेशन है ना उसके सीड्स वगैरह दे दे माइट अफेक्ट द दायोडावर्सिटी ऑफ दैट एरिया ठीक है को एक्सटिंक्शन को एक्सटिंक्शन मतलब बेटा क्या कहते हैं उसकी स्पीशीज को हम एक्सटिंट ही कर देते हैं मतलब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है उसकी वजह से क्या होती है दूसरी स्पीशीज उसमें डिपेंडेंट जो स्पीशीज होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड इट ऑल्सो गेट्स एक्सटिंग दैट इज प्रॉब्लम ओवर एक्सप्लॉयटेशन वॉट आर वी डूइंग वी आर ओवर यूजिंग ऑल द ऑलोर्स आर अवेलेबल समझ रहे ठीक है को एक्सटिंग ध्यान से समझना बेटा देखो जब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो उससे रिलेटेड बाकी की स्पीशीज भी यू नो डेंजर में आ जाती है इट क्रिएट्स एन एकोलॉजिकल इम्बैलेंस नाउ लार्ज हैबिटेट स्मॉल फ्रैगमेंट्स है ना मैमल्स बर्ड रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटोरीज एंड सर्टन एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिटैट्स आर बैडली अफेक्टेड लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन ठीक है अब इसमें और भी आप क्या लिख सकते हैं यू कैन राइट द ब्रीडिंग ग्राउंड ब्रीडिंग ग्राउंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ठीक है जिसकी वजह से देखे नॉट है ना तो ये सब चीज होती है

क्या कहते हैं उसको एक पेपर पे लिख लो ए फोर शीट पे ए फोर शीट पे पहली चीज क्या करनी है आपने देखने हैं नंबर पे क्या करना है आपको जो भी है इकोलॉजी के वो सारे लिख लेने बेटा बस ये दो चीज़ कर लो मोर देन यू विल एफ्रीकन कैटविश क्लेरियास गैरी पीनस इंट्रोड्यूस फॉर एक्वाकल्चर पर्पज इज पोसिंग अ थ्रेड फॉर इंडिजीनियस कैटफिश समझ रहे हो हम लोग एक क्या कहते हैं एफ्रिकन कैटफिश को लेके आए वो इंडियन कैटफिश को सॉरी इंडिजीनियस लो, जो लोकल कैटफिश है उसको क्या कहते हैं अफेक्ट कर रही है ऑल्सो जो मैंने बताया था वाटर है एसंथ कॉस्ट एनवायरमेंटल डैमेज टू दीटिव स्पीशीज समझ रहे हो जो प्लांट हम लेके आए वो जो एग्जिस्टिंग प्लांट थे उनके लिए डेंजर हो गया है मतलब आई होप यू ओवर ना द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर ग्रीट रैदर देन नीड लीडिंग टू द एक्सटिंक्शन ऑफ दीज सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग कुड हैव बीन यूज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिख सकते हो बेटा है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुड हैव बीन यूज दिस इज अ वर्ड आई वुड से इसको नोट कर लेना जब वो पूछे ना कि भैया हम ऐसा क्या कर सकते हैं वॉट कुड हैव अडॉप्टेड फॉर सस्टेनेबल मॉडल है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल नेक्स्ट वन एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हेल्प इन प्रजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ दीज बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन ओके वैल्यू ऑफ जेड रिग्रेशन को इज कंसिडर्ड

इन सी टू है ना ह्यूमंस क्या कर रहे हैं आजकल हम लोग उनको जो भी बायोडाइवर्सिटी उसको उसी के एरिया में प्रोटेक्ट कर रहे हैं है ना एग्जांपल आप लिख सकते हो सीक्रेट ग्रोव्स ठीक है सेक्रेट ग्रोव्स हो गया वाइल्ड लाइफ सैक्चुरीज ठीक है बायोस्फीयर रिजर्व है ना बेटा तो ये सब चीजें ह्यूमंस हैव बीन यूजिंग टू प्रोटेक्टेड थैंक यू बेटा जशन। यस <laughs> yes. तो क्या इंडिया हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन एम्फोसाइज ऑन प्रोटेक्शन ऑफ नेचर ठीक है इंडिया के कल्चर में भी प्रोटेक्शन है मतलब नेचर को हम जैसे बिश्नोई कम्युनिटी हमारे एक फ्रेंड कह रहे हैं खुशी कह कहने सर बिश्नोई कम्युनिटी यस yes, बेटा उनके कल्चर का पार्ट ही है प्रोटेक्टिंग द नेचर ठीक है इन मेनी कल्चर ट्रैक्स ऑफ फॉरेस्ट आर सेट असाइड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन विद इन आर वेनेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन सेक्रेट ग्रोज इन मेनी स्टेट्स आर ऑल्सो आर द लास्ट रेफ्यूज फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेड स्पीशीज ठीक है बेटा तो ये भी चीज हो गया इसमें आप ऐड कर सकते हो ठीक like है ह्यूमन एनवायरमेंट लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व दिस विल आल्सो कम एज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन है ना बेटा एक होता है इन सी टू कंजर्वेशन प्लीज अंडरस्टैंड बेटा इन कंजर्वेशन प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी इन इट्स ओन प्लेस की वर्ड है एक्स टू कंजर्वेशन टेकिंग इट आउट ऑफ इट्स प्लेस एंड यू नो प्रोटेक्टिंग दैम लाइक इन जूस जू में क्या करते हैं हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट

Uh, कि बगल वाले रूम में ज्यादा स्पीशीज है, ठीक है ह्यूमन स्पीशीज तो डिपेंड्स कि जहां पे लोग ज़्यादा हैं आई नो वेरी गंदा एग्जाम्पल बट प्लीज अंडरस्टैंड बेटा देखो इतने से एरिया को अगर मैं एग्जामिन करूँगा, देर आर से हंड्रेड स्पीशीज ऑफ लिजार्ड है ना हंड्रेड स्पीशीज ऑफ से अदर बर्ड्स वेन आई इंक्रीज द एरिया द नंबर ऑफ स्पीशीज माइट इंक्रीज है ना बेटा बट आफ्टर पर्टिकुलर पॉइंट इट विल बिकम कॉन्स्टेंट है ना परफेक्ट ये कर्व है एकोलॉजी वाले चैप्टर में बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर में इसको ध्यान से देखो है ना अभी के लिए क्रक्स में बता देता हूं अगर z ज्यादा होगा इसका मतलब है स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है z कम है इसका मतलब स्पीशीज रिचनेस कम है ठीक है परफेक्ट द इमेज बिलो शोज डिपिक्ट्स द रिजल्ट ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इफ लैडर रिप्रेजेंट सीक्वेंस लेंथ अप टू 3000 बेस पेयर व्हिच ऑफ द बैंड 1 टू 4 कॉरेस्पोंड्स टू 25 हंड्रेड बेस पेयर एंड हंड्रेड बेस पेयर रेस्पेक्टिवली एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ सेपरेशन ऑल्सो मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस बताओ ये बेटा क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या है ये है ना इसमें क्या हम प्रिंसिपल क्या है जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है ठीक है बेटा तो जब हम इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं व्हेन द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम व्हेन द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज़, है ना बच्चे व्हेन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज़, व्हाट डू दे डू दे कट द डीएनए इनटू वेरियस फ्रैग्मेंट्स है ना बेटा और फिर हम क्या करते हैं हम एक एनोड लगाते हैं और उसकी उस पे इस डीएनए को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं बेटा द दर दी एन ए लेस इट विल ट्रैवल द लाइटर द डीएनए छोटे बैंड होंगे दे विल ट्रैवल मोर ओके बेटा तो यस इफ यू कैन सी द ब्रांड थ्री करेस्पॉन्स टू ट्वेंटी यहीं पे रहा दिस इज द एनोड ठीक है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज तो इट डिड नॉट मूव मच वाई बिकॉज इट हैड हैड मोर नंबर ऑफ बेस पेयर वन वन दिस द लीस्ट नंबर ऑफ बेस पेयर बिकॉज इट वॉज द स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट ओके बेटा यस द फ्रैगमेंट विल विजोल्व अकॉर्डिंग टू द देयर साइज द सीक्वेंस फ्रैगमेंट्स वुड मूव एज एज वेल सीन इन बैंड दर इज लाइटर वु फारेयर टू बैंड थ्री विच इजियर है वो ज्यादा मूव नहीं करा लाइट वाला मूव कर गया द पॉजिटिव चार्ज यस परफेक्ट यस सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज टू प्यूरिफाई द डीएनए फ्रैगमेंट

एग्रोकेमिकल्स इफ यू हैड टू कल्टीवेट विच क्रॉप वुड यू प्रिफर बी टी और नॉन बी टी एंड वाई विच वन ऑफ द फोर यस गाइस वॉज एबल्ड यू हैव पेस्टिसाइड यूज विच वन ऑफ द फोर वॉज एबल्ड टू बेटर मैनेज द यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स कम ऑन टेलमी गाइस देखो यस दिस इज द लेवल ऑफ पेस्टिसाइड यूज बाई पेस्टिसाइड यूज करा है ठीक है ना बेटा बीटी क्रॉप बिकॉज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज हाई रेड्यूज इन द बटी क्रॉप विच डिक्रीज दाइड ऑल्सो मोर सिग्निफिकेंट दैन द बीटी नॉन बीटी क्रॉप ऑल्सो ध्यान से देखो देखो फार्मलैंड टू में क्या हुआ पेस्टिसाइड कितना कितना ज्यादा यूज करवा the pesticides are least used, <coughs> highest here. So, all others have used more pesticides. So, farmland 2 is the ideal one. Why would I, I use Bt crop? Because when I use Bt crops, I don't have to use fertilizers to kill the pest which will affect my, uh, you know, which will affect my, what plants. Next one, cotton ballworms were introduced in another experimental study on the above farmlands wherein no pesticide was used.

बहुत ही गाइस देखा आपने आज आपने देखा सारे जितने भी क्वेश्चन थे ऑल ऑफ देम वेर यस ऑल ऑफ देम वेर अप्लीकेशन बेस्ड ठीक है बेटा प्लीज अंडरस्टैंड जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना उसको रट्टा मारने की कोशिश मत करो वॉट यू आर सपोज टू रट्टाफाइज की वर्ड्स है ना बेटा प्लीज हर किसी चैप्टर के की वर्ड्स को लिख लो राइट डाउन द की वर्ड्स ऑफ ईच चैप्टर स्टडी द डायग्राम्स ऑफ ईच चैप्टर एंड राइट डाउन एग्जाम्पल्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर ठीक है बेटा है यस तो ये हमारा वेदांतों में गाई सेशन चल रहा है यस जो गाइजाओ वो हियर, है ना बच्चे तो गाइस वेदांतों में क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स के लिए वी हैव अ क्रैश कोर्स विच इज गोइंग ऑन ठीक है वी हैव अ क्रैश कोर्स विच इज गोइंग ऑन यहाँ पे क्लिक करोगे दिस पेज विल ओपन अप इस क्रैश कोर्स में पूरा का पूरा सी क्लास ट्वेल्थ का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी पूरा करवाया गया है ठीक है जस्ट फॉर एटीन हंड्रेड रुपीज दिस इंक्लूड्स गाइज टेस्ट ऑल्सो दिस इंक्लूड्स फुल सिलेबस रिविजन कोर्सेस दिस विल इंक्लूड टेस्ट के वी वाई प्रिपरेशन ऑल्सो ठीक है मोस्ट ऑफ यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर के वी पी वाई ऑल्सो एस एक्स है ना मे ट्वेंटी टू को उसका एग्जाम है तो गाइज अप्रैल में एग्जाम के बाद मे ट्वेंटी मे मे है ट्वेंटी टू मे को एग्जाम है के वी पी वाई तो गाइज ऑल दिस यू आर गेटिंग जस्ट फॉर एटीन हंड्रेड रुपीज़ आई वुड हाईली रिकमेंड अगर किसी बच्चे को पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज करना है दोबारा से दिस इज़ अ वेरी गुड कोर्स फॉर यू पीपल डू एनरोल इन दिस नेक्स्ट इसके अलावा बेटा यहां पे देख कैन सी कोर्स फाइंडर असिस्टेंस है एक फॉर्म है इफ़ यू फील कि यू नीड सम हेल्प ठीक है यू जस्ट फील फिल दिस फॉर्म मेरी जो टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी इफ़ यू वांट सम डिस्काउंट है ना इफ यू फील कि सर मैं 11th में हूँ या फिर मैं 10th में हूँ आई एम नॉट श्योर मुझे क्या करना चाहिए टू फिल दिस फॉर्म माई टीम विल कनेक्ट विद यू है ना दे विल डिस्कस विद यू एंड यस दे विल हेल्प यू फाइंड अ गुड कोर्स ऑफ वेदांतु दे विल हेल्प यू आइडेंटिफाई की वॉट यू वॉन्ट टू डू ऑल्सो दे विल गिव यू अ काउंसलिंग सेशन टाइप होगा तो दिस विल गिविव यू मोर क्लैरिटी अबाउट योर फ्यूचर और इफ़ यू वॉन्ट अ जॉइन विद आंतु तो आपको दे विल गिव यू गुड डिस्काउंट ओवर हियर ओके बेस्ड ऑन योर दिस थिंग है ना डिपेंड्स बच्चे कहते हैं कि सर uh, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है तो दिस आर स्पेशल केसिस इफ इफ इट्स अ वेरी स्पेशल केस यू माइट गेट सम डिस्काउंट ऑल्सो ओके तो डू फिल इन दिस फॉर्म इफ यू आर यू नो कन्फ्यूज यू वॉन्ट सम हेल्प दिस कोर्सिस दिस गेस दिस शीट यू शुड फिल गिस नोट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन आई होप यू लर्न बिटा प्लीज अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट इन टाइम यू कैन नॉट रीड द एनसीआर टी लाइन बाय लाइन प्लीज डोंट डू द मिस्टेक आई हैलिंग यू टूवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम हम बच्चे पता क्या करते हैं हम बस नोट्स को बार बार पढ़ते हैं

आपके फ्रेंड के स्कूल के क्वेश्चन पेपर प्लीज डू टेक देम एंड यू नो प्रैक्टिस है ना बेटा एंड यस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन विच यू आर नॉट एबल टू फाइंड सोल्यूशन फॉर गूगल इट फर्स्ट इफ यू आर नॉट एबल टू गेट आंसर देयर ऑल्सो यू कैन सेंड इट टू मी आई विल सॉल्व दम ओवर हियर है ना माई ई मेल आई डी इज अमृत डॉट राज एट द रेट वेदांतु डॉट कॉम बेटा तो सेंड इट सेंड एन ई मेल टू मी ऑफ द क्वेश्चन आज का होमवर्क है ठीक है बेटा आज का होमवर्क हैिज्मिज्म ठीक है वॉट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्मिज्मिज्म मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ कमेंट बॉक्स में गिवीर फॉर की नेक्स्ट है डू सेशन फॉर नीट ऑल्सो जो भी क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हैं नीट के सेशन में आना वी एगोन अर प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर दट है ना तो इट विल गिव यू अ गुड आइडिया ठीक है परफेक्ट है